हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ऐसे कहूँ तो अभी गुड मॉर्निंग हुई नहीं है। अभी बज रहे हैं 3:15 हो रहा है और आज है करवा चौथ कल को मतलब। तो अभी ना रात के 3 बजे हमारा हाल देखो, मेरी बेटी का हाल देखो। सबसे पहले आपको मैं अपनी बेटी का हाल दिखाती हूँ कि ऐसे सोइए, इसको ना रखा, डेली ढगाना पड़ता है मेरे को डेली। अगर मैंने इसको ढगाया नहीं ना, इसको ढगाया नहीं ना, तो इसके हाल ऐसे रहे, रात भर ऐसे रहे। तो इसको ऐसे सोना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिलहाल जो कहते हैं कि अभी सुबह सुबह हो रहा सरगी का टाइम और स्वामी जी मेरे गए हैं, स्वामी जी भी अब्सेंट है मेरे, तो वो गए हैं मेरे लिए कॉफ़ी बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा मैं बना लाऊँ कॉफ़ी। मैंने कहा ठीक है यार, जाओ कॉफ़ी बना के लाओ। तो फिलहाल वो स्ट्रगल कर रहे हैं रात के 3 बजे, तो अच्छा भी लग रहा है। तो आप सभी को, जितने भी मेरे YouTube फैमिली के मेंबर्स हैं, और सभी को, सभी लेडीज़ को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो ये ना व्रत पति भी रखते हैं, तो बॉयफ्रेंड्स वगैरह जिसके रखते हैं या जिसके हस्बैंड्स वगैरह रखते हैं, तो उन सभी को भी करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आपका ये करवा चौथ बहुत अच्छा रहे, जीवन साथी का साथ हमेशा मिलता रहे, प्यार बढ़ता रहे, ऐसे ही आप करवा चौथ का व्रत रखते रहे। तो दोस्तों अभी पता है पेट पूरा फुल है मेरा, मतलब ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आदत नहीं है ना इतनी रात को कुछ खाने की। सो देखते हैं फिर आज जो कुछ भी होता है, क्योंकि अभी खाने का मोटिव ये है कि, और सच बोलूँ अभी ना पानी प्यास लग रही है और ना कोई भूख लग रही है, लेकिन ये खाना इसलिए खा रही हूँ क्योंकि मम्मी ना, मतलब मेरी सास मुझे बिल्कुल भूखा नहीं रहने देती। वैसे तो तुम भूखा रहते नहीं हो, लेकिन कैसे मनाया ये त्यौहार जो तुम इतना भूखा रहने की और पानी ना पीने की ठान रखी है। तो मैं हर साल मजबूरी में, मतलब मजबूरी भी कहो ठीक भी है, उनकी चिंता करना अच्छी बात है, तो उसके वजह से मेरे को ये करना पड़ता है। तो ज़्यादा बोर ना करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ मेरी करवा चौथ स्पेशल मेहंदी। तो ये डिज़ाइन है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, सबसे सबसे अच्छा डिज़ाइन मेरा यही है। सबसे अच्छा यूनिक सिंपल इसीलिए है ना, क्योंकि ये जल्दी बन जाता है। और यहाँ पे क्या हुआ है ना, रात को गजबज हो गया, थोड़ा खराब हो गया। और एक मेहंदी है जो मैंने ना दिन में लगा दी थी, और ये मेरे स्वामी जी का नाम, इनको मैं प्यार से मन्नू बोलती हूँ, देख भी नहीं रहा होगा। और ना वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे इतने दिनों से कम 3 महीने से व्लॉग क्यों नहीं आए, तो व्लॉग ना आने का रीज़न भी मैं आपको धीरे धीरे वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी। प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिस वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही थी। कुछ मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, कुछ मेरी प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स थी, जिस वजह से वीडियोस नहीं आ रही थी। और मुझे ना कमेंट में तो नहीं कहूँगी, लेकिन जो मुँह से मेरे अपने हैं, मेरे आसपास के लोग हैं, और क्योंकि झूठ नहीं बोलना चाहिए ना, और वैसे ना मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कि ज्योति कमेंट, मतलब वीडियोस क्यों नहीं बना रहे, वीडियोस क्यों नहीं बना रहे। चिल्ले की भी दोस्तों, आप स्वामी जी ने मुझसे कुछ एक बात बोली सुबह सुबह। क्या बोला आपने मुझसे, हैं है? क्या क्या बोला मुझे, क्या दोगे कहा गिफ्ट? छोटा सा गिफ्ट था वो, लेकिन क्या था कहा? वो तुम्हारा फेवरेट था, तुम्हारा फेवरेट है वो वो। खुद बोलो जो अभी बोला अरे लोग पानी पिलाएंगे तो पिज्जा खाना। तो फिर सब भूल गए, तो अभी अचानक इनको याद आया तो बोल रहे हैं कि मैं तेरे को पिज्जा खिलाऊं। नहीं खाना मुझे पिज्जा, पिज्जा तो ना साथ में अपने लिए भी ले गए। और कॉफी देखो इनकी, ब्लैक कॉफी, इनको ब्लैक कॉफी ज्यादा पसंद है, दूध वाली नहीं पसंद। अब बताओ इससे पेट भरता है। चलो बना के लाए हैं, तो ये मैं अपमान नहीं करती ना इनकी तरह, ये तो बहुत अपमान करता है। ये होता है डायरेक्ट बोलते, मैं नहीं पीता अपना भरता, पर मैं
लेडीज होती है ना, चलो रहम खा लो इनके ऊपर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है करवा चौथ, जैसा कि मैंने आपको सुबह 3 बजे में बता दिया था। तो दोस्तों, मैं सारा काम हो चुका है, और सारा काम तो क्या, अब बजे अभी मेरा ना जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 12:15, और दिन के खाने की तैयारी चल रही है अब। तो कैसे हैं आप सब, पहले सब ये बताइए, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ। आई मीन 3 मंथ हो चुके हैं, और ना सच बोलूँ तो व्लॉग बनाने का काफ़ी मन था, लेकिन कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और पहाड़ों में असौज जहाँ से चल जाता है तो सच में टाइम नहीं मिलता। तो अभी मेरी पूजा पाठ जो है वो फिनिश हो चुकी है। पूजा पाठ फिनिश होके मैंने कहा अब मॉर्निंग ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर दूँ। मॉर्निंग तो चले गई है, आफ्टरनून आ गई है। तो मैंने अभी वेयर की है साड़ी, फिलहाल साड़ी वेयर की है, और मैं साड़ी अभी देर तक तो नहीं रख सकती, क्योंकि मुझे 4 बजे फिर साड़ी पहननी है, क्योंकि हम पूजा करने के लिए नीचे जाते हैं, सारी भाभी लोग और जाते हैं, तो सब मिलते हैं एक घर पे और वहाँ पूजा पाठ करते हैं। तो वहीं होगा जो होगा, वहाँ दिखाऊंगी मैं आपको। और स्टार्टिंग तो मेरी कुछ ऐसी हो रखी है कि सुबह से लगातार काम काम काम, और व्रत होता है ना तो उस दिन काम। और आपको मैं बता दूँ कि मैं अच्छे से और श्रद्धापूर्वक मन से, मेरे से इतना अच्छा, मतलब मैं जितनी अच्छे से हो सके मैं उतनी अच्छे से कोशिश करती हूँ कि मैं करवा चौथ का व्रत रखूँ, क्योंकि करवा चौथ का व्रत मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, हस्बैंड तो बोल रहे थे पंजाबियों का होता है और तुम क्यों रखते हो, पहाड़ियों में कहाँ चला है। लेकिन यार ऐसा कुछ नहीं होता है, मन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और पता है सच में अब तो सब रखने लग गए हैं, तो क्यों ना रखें, जब मन है तो रखते हैं ना। जब तक मन है और अच्छे से मन है, स्टार्टिंग कर दी है तो रखेंगे भाई, इतना अच्छा लगता है। कुछ मिले या ना मिले, मतलब कि आप समझ रहे होगे, गिफ्ट मिले या ना मिले, पर व्रत तो रखना है, वो मन तो है। और सच में बोलूँ ना, हस्बैंड से मैंने कम से कम 4-5 दिन पहले से बोला करवा चौथ आ रहा है, करवा चौथ आ रहा है, करवा चौथ आ रहा है, तो क्या है स्पेशल गिफ्ट, क्या है स्पेशल गिफ्ट, बोल वो मुझसे बोल रहे हैं। एक मिनट दोस्तों, मेरे ना हाथ बहुत थक गए हैं, तो मैं इसे कहीं स्टैंड करती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। दोस्तों फिर क्या हुआ कि उन्होंने मुझे बोला इस बार पता ऐसा हो रहा है, मतलब अपनी समस्याएं बताने लगे थे कि ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो अभी तो हो नहीं सकता, पेंडिंग रहेगा, बाद में मिल सकता है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मतलब मैं उनको परेशान कर रही हूँ कि मेरा गिफ्ट का है, मेरा गिफ्ट का है, मेरा गिफ्ट का है, पर ऐसा है ना दोस्तों, मुझे गिफ्ट से कोई मतलब नहीं होता, मुझे बस ये होता है कि प्यार से बोलो, प्यार से रहो और साथ में रहो, और जितना हो सके एक दूसरे को समझो, हेल्प करो एक दूसरे के उसमें, तो बस वही मेरा गिफ्ट है। बाकी देखो जो उनका है वो हमारा है, मेरा है, मेरी कुट्टू का है। और आज मैं आपको मिलाती हूँ पंकू से, ये हमारी है जान। हेलो दोस्तों बोलो। हेलो दोस्तों। और ये खा रही है टेढ़े मेढ़े, और आज मेरा फर्स्ट फास्ट है, और देख लो इसको, सुबह से ना कितनी चीज़ें खा चुकी है, मैं आपको क्या बताऊँ दोस्तों, ये बहुत चीज खाती है। स्माइल तो देखो, आपने पूछा नहीं कैसे हो आप, कैसे हो, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे होंगे। आप एक पोयम सुना दो जो आप मुझे सुनाते हो। क्या? तोता तोता वाला था शायद, वो तोते वाली पोयम थी ना कुछ, तोता हूँ मैं। तेज तेज सुनाना, उनको सुनाई देना जी। तोता हूँ मैं, हरे रंग का, हरे रंग का तोता हूँ, यार मेरी चोटा रंग मिठू मिठू बैगन का, सुंदर मेरी चाल है, फिर मीठे फल में खाता हूँ, जब जब माली आता है पत्तों में छुप जाता हूँ, पत्तों में छुप जाता हूँ, वेरी गुड। और वो एक और आती है, आपको मेरे को पता है कौन सी आती है, चना चकी वाली। हाँ,
चल मेरी चक्की सानो सान गे यू भी सुन तेरों का फिर सुंगी बिस्वाऊंगी रोटियां बनाऊंगी भैया को खिलाऊंगी भैया बनने जाएगा डॉक्टर बन के आएगा। गुड गुड भैया बनने जाएगा डॉक्टर बनकर आएगा आएगा। देखो दोस्तों मेरी बेटी कितनी सुंदर हो गई स्मार्ट हो गई है ना। तो अब ये ना सब पढ़ने लगे और ये आंगनवाड़ी जाती है। हमने इसको स्कूल नहीं भेजा, स्कूल भेजने का कुछ रीजन था क्योंकि अभी ये छोटी छोटी बच्ची बताया सब सब कहते हैं कि छोटी बेबी है लेकिन ये क्या कहती है कि ये मम्मा आप क्या हो गए हो बड़े बड़ी हो गई है। और ये ना अच्छे से रिटर्न करती है लिखती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज सुबह से दोस्तों मैं इतना चूड़ियाँ वेयर कर रही थी तो मेरा दो जगह से हाथ ये तभी होता है जब अच्छे काम हो रहे हो। बेटी को परवाह कितनी हो रही मम्मा की। मम्मा आपके छल्ला और कुट्टा ये मेरा छल्ला है और ये मेरा कुट्टा है और इसमें मेरे लग गई है पता है आपको दोस्तों। तो दोस्तों ये जो मैंने चूड़ी वेयर करी है ये मेरे भाई ने मेरे लिए हल्द्वानी से भेजी है। उसकी पसंद देखो कितनी प्यारी और मैचिंग मैचिंग मेरे लिए मेरी मामा जी है पंखु के लिए भी भेजा है मामा जी ने बहुत कुछ। और फिलहाल मैं अभी तैयार ऐसे हुई हूँ और शाम को मंदिर जाएंगे। हाँ जादू करेंगे मंदिर जाएंगे मतलब शाम को तो रात को तो मंदिर जाएंगे जाएंगे वहाँ हाँ, पे पूजा करेंगे। हाँ भैया के सामने क्यों ना मैं करने भी जाऊंगी। देख लो दोस्तों इसको इसने पता है ये ना इसने कितने दिन मैंने कैमरा उठाया ना और ये बोलने के लिए इतनी तैयार हो रखी थी हेलो दोस्तों करके ये इतना बोलती थी। और ये तो बहुत चीजें रिवील करने वाली है मैं तो पता है इसको देख के डरती हूँ तो प्लीज अभी नहीं बोलना नहीं बोलना। ये बोल देगी दोस्तों आपको बहुत कुछ बता देगी वो टाइम आने पर मैं आपको बताऊँ। और मम्मी पंखु को नहीं ले जाने वाली है और अगर मैं आपको नहीं ले जाऊंगी तो चलेगा। हाँ आप घर में रह लोगे ना। दोस्तों अभी बीच में मैं हरियाणा गई थी ना तो मैंने इसे 1 मंथ के लिए छोड़ा था और ये मुझे अब बिल्कुल नहीं छोड़ती है। इसने मुझे अगर नहीं देखा और मैं मार्केट भी चले जाऊँ ना तो ये मेरे को बिल्कुल घर आके ऐसा कर देती है कि मम्मा आप कहाँ गए थे मैं कमरे में डेली रो रही थी। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे भी अच्छा नहीं लगता अपनी बेटी के बिना। चिपके से कोई आएगा मेरी कुत्ती को छान करेगा। मम्मा लिपस्टिक क्यों लगाई? लिपस्टिक अच्छी लगती है ये स्ट्रॉबेरी मम्मा वाली है ना लिपस्टिक। हाँ स्ट्रॉबेरी कलर की तो मेरी लिपस्टिक है। आप बेबी हो आप तो लिप बाम लगाते हो। नहीं लिप बाम लगा रही बच्चे कोई खुल के देख लो दोस्तों गप मारेगी बहुत ज्यादा है। दोस्तों ये है मेरी अभी शाम को 4 बजे की फाइनल लुक और अभी हम जा रहे हैं शाम को भाभी लोगों के वहाँ पूजा करने और हमारी पूजा होगी वहाँ। तो आज मैं फर्स्ट टाइम जाऊँगी क्योंकि मुझे अभी तक का मतलब ऐसे मैं गई नहीं हूँ। घर ही पे मैं पूजा कर लेती थी और मैं पूजा सुबह कर लेती थी कथा वथा जो थी वो हिमानी मुझे सुना देती थी तो ये मैं कर लेती थी सुबह। लेकिन बट अब इस बार भाभी ने कहा कि भाभी भी घर पे क्योंकि भाभी भी घर पे नहीं थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि ज्योति आना है इधर को। और देखो मेहंदी का रंग धीरे धीरे कितना गाढ़ा हो रहा है कितना प्यारा दिख रहा है ना। तो दोस्तों अभी मैं वहाँ जाएंगे हम सब ऊपर से भाभी भी आने वाली हैं एक और तो उनके संग जाएंगे और दिखाएंगे आपको जो कुछ भी होगा। दोस्तों फाइनली हम भाभी के वहाँ पहुँच चुके हैं और ये है ऊपर से आई हुई भाभी और ये भाभी को तो आप पहचानते ही हो दिखाओ तो ममता भोज। ये है ममता भाभी और रिसेंटली ये दूसरे बच्चे की मम्मी बनी हुई है और इनको हुई है कन्या की प्राप्ति कन्या कन्या रत्न प्राप्त हुआ है इनको। और ये है हमारी
यहाँ देखो, ये हमारी बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, ये हमारी ममता भाभी की, ममता भाभी की जेठानी जी है, और ये हमारी बड़ा बड़ी भाभी है। इन्होंने व्रत नहीं रखा है, ये नहीं रखती है व्रत। और एक भाभी और है, वो अभी आएंगी। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ दोस्तों मंदिर। तो जो भाभी आने वाली थी वो ये हैं, और इन्हीं के वहाँ हमारा जो है वो करवा चौथ का कार्यक्रम चल रहा है, और ये भाभी हमारी बनाएंगी वीडियो। अब तो हम सब आ गए हैं थाली घुमाने के लिए। इसका मुंह आपको आयो हट के दिया गया, राजा जैसा दिया गहरी नींद में सो गया। उसके शरीर में सुइयां ही सुइयां चुभ रही। राजा की सुइयां निकालते निकालते एक साल हो गया कि फिर से करवा चौथ का व्रत आ गया। करवड़े बिकने के लिए आए वीरों ने फिर से करवा चौथ का व्रत रखा, और इस बार वीरों ने अपने मन में प्रण किया कि जब सबका चांद निकलेगा तो वो सबके साथ ही अपना व्रत खोलेगी। राजा के पास सुइयां निकालने के लिए बैठाकर व्रत की पूजा करने के लिए जाती है। इधर दासी राजा की आखिरी सुई भी निकाल देती है। डिजाइनदार है यार इनका। फोटो भी आ रही होगी, फोटो खा हमारे सकल आ जब एक हाथ जब रख मिला है सकल आ रहा है। बढ़िया सकल सब रहा है। और जो रानी थी वो मूली बन गई। राजा दासी को ही अपनी रानी समझने लगा। सकल साफ रहे सबने। अब वीरो बहुत दुख में पड़ गए। छह हो गए हैं अभी। सकल आ रहे हैं बड़ा बड़ा नहीं बड़ा बड़ा फोटो भी तो होगी किसने का नहीं है बीच में ऑप्शन है ना उनके आए थे कौन सा भैया फिर और दुबारा है ये वाला लाल वाला पहले दोबारा रखा है इसमें फर्स्ट में नहीं आए हैं अभी गिनती तो इसमें आ रहे हैं दबो आप फूल बरसाए महाराज गजानंद आए सब देवो ने फूल बरसाए महाराज गजानंद आए प्रभु कौन तुम किसके लाले
आपसे बात है। मंदिर में हमारे साथ पहुंची हैं भाभी जी। वो दो इसीलिए नहीं आए क्योंकि उनके पास नन्हे पुन्ने से अभी राजकुमार और राजकुमारियाँ थी, तो इसलिए वो नहीं आए। तो हम पहुंचे अभी चंडी का मंदिर और हमारे साथ है हमारे स्वामी जी। स्वामी जी भी हैं और दादा वाले स्वामी जी भी, भाभी के स्वामी जी भी वहाँ हैं और बच्चों को भी लेके आई है भाभी जी। एक बच्चा ये, एक बच्चा ये, और ये है कुछ मंदिर का। मैं आपको दृश्य दिखाती हूँ। ये चंडी का मंदिर मैंने कई बार आपको वीडियोस में दिखाया है दोस्तों। तो दोस्तों ये है चंडी का माँ। जय माता दी। अभी हम पहले ना मंदिर में दिया वगैरह जलाते हैं, उसके बाद हम आगे और जगह दिया जलाएंगे। और जो कहीं कहीं पे जगह पे वो भी गए। और ना सच बताऊं, मैंने अभी वेयर किया है सूट वेयर किया है, जिस चक्कर से ना मैं थक गई थी दोस्तों। मुझे साड़ी पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मन किया मतलब वो मुझे बार बार लपेटने में वो प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने नहीं पहना। और पाखी देख लेगी के चक्कर से भी नहीं पहना, इसीलिए मैं जो है सूट पहन के आ गई, साड़ी पहनना अवॉइड किया। तो दोस्तों फाइनली चांद आ गया है और हम करते हैं अब चांद के साथ अपनी चांद की पूजा। पानी लगी चितुरे कटी रात कटी बात तेरी मीठी मीठी दूध दगड़ भात जैसी, याद माँ तेरी परु दिन कटी रात कटी बात तेरी मीठी मीठी दूध दगड़ भात जैसी, मुख तेरो मी को लागो पूर्णिमा को चांद जैसी, हिटनो को स्टाइल तेरो कस्तूरी मृग जैसी, कान की बाली माँ होठो पानी लगी चितुरे को सिंदूर बटी, तेरी मेरी जोड़ी परु शंख दगड़ घंटी जैसी, मांग में तेरी भरू चांदी को सिंदूर बटी, तेरी मेरी जोड़ी परु शंख दगड़ घंटी जैसी, हाथ की मेहंदी तेरी खेलू ब्रह्म कमल जैसी, बाल तेरे सिल्क परु मोर को यो पंख जैसी, पहाड़ों में चर्चा हमर कोयल को बद्रीनाथ धाम मा, जागेश्वर धाम मा, नंदा देवी मनसा देवी सब में मांगुत्वे के। पानी लगी चितुरे परुली पानी लगी चितुरे